तरीका अलग, मसाले अलग, सब्जी का टेस्ट चेंज कर देता है। आज हम भी अलग तरीके से सोयाबीन बड़ी की सब्जी बनाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले तो हम टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को पीस लेंगे और एक बाउल में डालकर रख लेंगे। सोयाबीन बड़ी में हम शिमला मिर्च भी डालेंगे, तो एक शिमला मिर्च लेंगे और इसे हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। साथ ही हम एक प्याज भी लेंगे और उसे भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। तो चलिए पहले शिमला मिर्च काट लेते हैं। तो इस तरह से मैंने शिमला मिर्च बड़े बड़े टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है। अब एक प्याज, इसे भी हम काटेंगे बड़े बड़े टुकड़ों में और इसके सारे परत खोल के एक साथ हम रख लेंगे शिमला मिर्च के साथ। तो ये देखिए, इस तरह से इसके सारे परतें हम निकाल लेंगे एक एक करके। तो शिमला मिर्च और प्याज के टुकड़े एक साइज के इस तरह से बड़े बड़े काट कर रख लेंगे। अब सोयाबीन बड़ी लेंगे और इसमें हम पानी डाल देंगे और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ताकि उबलते समय ये अच्छी तरह से सोयाबीन बड़ी के अंदर नमक चला जाए। इसे कम से कम 4 से 5 मिनट तक हम पकाएंगे। उसके बाद में जब ये बॉयल हो जाए तो इसका पानी छानकर हम अच्छी तरह से हाथों से निचोड़कर एक बाउल में डालेंगे। अब इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और सौंफ का पाउडर, नमक, दही और शिमला मिर्च और प्याज, इन सारी चीज़ों को एक साथ डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसे मैरिनेट कर लें। मैरिनेट करके इसे हम 5 से 7 मिनट तक, अगर टाइम हो तो आप 15 मिनट तक इसे छोड़ दें तो और अच्छा बनता है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और फिर कढ़ाई में तेल डालकर गरम करेंगे और मैरिनेट किए हुए सोयाबीन बड़ी, शिमला मिर्च और प्याज को डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे हम चलाते हुए 2-3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम में भूनेंगे। तो ये तैयार हो चुका है, देखिए इस तरह से बिल्कुल लाल दिख रहा है। अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई में तेल गरम करके जीरा, तेज़पत्ता और प्याज डाल के इसे भूनेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा बेसन डाल देंगे और बेसन को भी हम खुशबू आने तक भूनेंगे। फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम में इसे हम चलाते हुए भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक इसकी खुशबू अच्छी तरह से ना आ जाए। इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च और तीखी वाली लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, ये सारी मसाले हम डाल देंगे और साथ में भूनेंगे। अब इसमें हम पिसे हुए टमाटर, अदरक और हरी मिर्च, लहसुन वगैरह डाल देंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करते हुए भूनेंगे जब तक ये इकट्ठा ना हो जाए। तो इकट्ठा होने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे और पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। जब अच्छा सा उबाल आ जाए, ये देखिए उबाल आ गया है, तब हम फ्राई किए हुए सोयाबीन और शिमला मिर्च, प्याज को डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। तो इसमें हम इस टाइम पर खटाई और गरम मसाला डाल देंगे, साथ ही थोड़ा सा कसूरी मेथी लेंगे और इसे भी हाथों से रगड़कर इस तरह से डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये इतना काम करते करते ये पक जाता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप अपने हिसाब से इसकी थिकनेस रखिएगा, रोटी पराठे या फिर पूड़ी के साथ आप खा सकते हैं। मुझे तो चावल के साथ खाने हैं तो मैं चावल निकाल रही हूँ और चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। चावल के साथ भी काफ़ी टेस्टी लगता है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये मैंने सर्व कर लिया और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह की छोटी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।